टीकमगढ़ जिले के थाना कुंडिया अंतर्गत ग्राम मातोला के रहने वाले माँ बेटे बाइक सवार खरगापुर जा रहे थे, तभी पुराने रंजिश के चलते बोलेरो टक्कर मार दी गई, जिसमें माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुराने रंजिश के चलते माँ बेटे को बोलेरो से कुचल दिया गया है। उसके बाद परिजनों ने खरगापुर चौराहे पर चक्का जाम किया। परिजनों का आरोप है कि धनसु कुशवाहा निवासी मातोल ने पुराने रंजिश के कारण बोलेरो से हरदयाल कुशवाहा पिता कमला कुशवाहा श्यामाबाई कुशवाहा को पहले बोलेरो टक्कर मार दी, फिर बाइक से माँ बेटे गिर गए। उसके बाद रिवर्स करके बोलेरो द्वारा माँ बेटे के ऊपर चढ़ा दी, जिसके कारण मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बाद में परिजनों ने कहा कि पुराने रंजिश से चलते बोलेरो से माँ बेटे की हत्या कर दी गई है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। चक्का जाम जिसने किया कि हमारी इधर सुनाई ही नहीं हो रही, क्या हो गया, किस बात पूरा बताएं। ऐसा होगा कि उन्हें गन सुने ये में ढक के बोलेरो मारी, वो आगे से मारी। घनसू मातोल को है, बाप को गंगा नाव, घनसू कुशवाहा है मातोल के, हम कमला कुशवाहा नाव है। और जी में उन्हें गाड़ी मारी, वो हैदयाल कुशवाहा है हमारा लड़का है, और श्याम कुशवाहा है वह हमारी पत्नियाँ। इनमें दो जन में उन्हें ठाक के गाड़ी मारी जाएंगे इसे। तो क्या कोई पुराना विवाद चल रहा? हाँ, पुराना विवाद था इसे पुराना के जो हमारा उसका मकान बगल बगल में पास पास में है, बीच में वो एक रास्ता थी सरकारी, उसने वह रास्ता बंद करी। बंद कायबे से उन्हें हमने ऊपर केस लगाओ, केस कायम करो हमने उसे। सो इधर तहसील में केस चला था, वो केस चला तू में हैदा पैसा भाई दे तो सोते कसूनी भाव हुआ केस में हमारा। सुबह पे हम चमा के रह गए। अब हम सोचने लगे थे इसे के चलो जो भलो आदमी हम गरीब हैं। दोनों की डेट दोनों खत्म हो गई क्या? हाँ, दोनों खत्म हो गए। पुलिस तो कचूनी कर रही साहब, रिपोर्ट लिखी थी अबे दे चौकी की पुलिस से रिपोर्ट लिखवाई थी, तो भी कहे थे सीएल है हमनी साहब, जान से भी चलेगा तो सीएल लिख रहे हैं आप। वो उसने जब दो दो बे गाड़ी काटी, हाथ पांव टूटे थे, सीना पे हो गाड़ी काट गई। आप लोग क्या चाहते? अब हम ऊपर निहाय चाहते हैं। ये घटना कितने बजे की है? सुबह दोनों एक साथ गाड़ी निकाली थी। हाँ, एक साथ भाई इसने देखो, उन्हें घर से देखो कि जे गाज गाड़ी से मताई बेटा निकल गए। तो सो उन्हें फिर बोलेरो निकाली फिर अपनी, वो बोलेरो ने कहा कि वो रास्ता में आगे निकल आओ। वो हमारे भज्जा ने देख लो, दूसरे भाई छोटे भज्जा ने कि आए हमारा भतीजो भौजी गई है, वो जो इन्हें संगे बोलेरो ने कहा सुनी के जो कछुका दे वे। सो हमारा भज्जा दूसो आओ पछाए से, वो पछाए से आओ वो तनक लेट होगा जो लोग उन्हें कहा उघा ही दई। और जब ये लोग गिर गए फिर उसके बाद गए सुबह सुने एक दाल लौटा के फेंकें गाड़ी, वो बस चलत गाड़ी छोड़ के वो उन्होंने चलोगा। वो प्रशासन करते के हम रिपोर्ट लिखे ले सी एल की, तो रिपोर्ट हमने 307 लगाओ ना, 302 लगाओ। सुबह कह दे 302 नहीं लग रही, अब ये भी नहीं सुन रहे। तहसीलदार भी साहब आ गए, वे कहते हम पहले पीएम करवा दो, हमने पीएम करवा दो। हम अगर पहले से तो फिर हम का सुना यूचे फिर हम कितने ले जाए का करें, हमने पहले से देख तो लो, आप पहले से देख के तो लिखो, फिर डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए वो लिख लियो। अब क्या करना चाहते? जैसे न्याय चाहते हैं उनको, ऐसी बात थोड़ी है कि हमें न्याय ना मिले। सामने वाले तो जान से हमारे मार देगा, शासन हमें न्याय ना देगा। किसकी मांग कर रहे हैं आप लोग? इससे संतुष्ट नहीं, आप किसकी मांग कर रहे हैं? कौन सा अधिकारी यहाँ पे आए? पीएम साहब आ जाते गए तो हमारे ऊपर न्याय चौराहे पर रोको लगाई है गाड़ी को, रोकी है रोड जाम करो। एसडीएम अभी आए, उन्होंने क्या कहा आपसे? वे कह रहे थे कि वो पहले तुम माँ चलो उनको पीएम करवा दो, हम पीएम करवा दे, फिर हम लोग काफी उतरे, हम की क्या दिखवाएं अपनी बॉडी जे जिनजे हम दहें फिर रहे कान मान के मारो के हमारा लायक है। तो पढ़ो लिखो बार आपस, वो गायक कलाकार है तो यूट्यूब पे गाना रहे उके, वो इसे के वो बोले भी नहीं जगत तो सो बस उन्हें जब सबसे पहला जान मान के वो जे माओ हमें बगैर पढ़े लिखे लायक ना पढ़ाओ लिखाओ है। अच्छा, जिस पीरियड में ये घटना हुई उस हम तो उतर ही हते रास्ता में, हम आ रहे थे सुमुआ की वजह से, जब हमें जानकारी मिली सो हम तो उतर ही साइकिल में कदों का बदल हम भगत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।